डियर स्टूडेंट्स, ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म को आप शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, है ना। सो लेट अस सी हाउ वी कैन रिड्यूस अ नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपांडेड फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो, एक्सपांडेड फॉर्म में हम नंबर बहुत विस्तृत करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं, है ना, प्लेस वैल्यूज के एडिशन करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, वो नंबर ओरिजिनल नंबर लिखेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में उसके लाएंगे, शॉर्ट फॉर्म करेंगे उसका, ओके, रिड्यूस करेंगे वो नंबर को, ठीक है। सो टू रिड्यूस द एक्सपांडेड फॉर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अरेंज द नंबर्स इन एप्रोप्रिएट कॉलम्स एंड देन ऐड। अब ये जो नंबर है ये हमें क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म है ये नंबर का, वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट यू हैड राइट प्लेसेस ऑफ नंबर्स, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, ओके। सो आप डिजिट्स देखो, कितने डिजिट नंबर हैं, सो 3 और 2 5 और 2 7 और 8, मीन्स 8 डिजिट नंबर मीन्स वो करोड़ में आएगा, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, आप इस साइड से राइटिंग स्टार्ट करो, वंस प्लेस से, मतलब आप रॉन्ग नहीं होगे स्टूडेंट्स, ठीक है, वंस साइड्स, वंस प्लेस से ही राइटिंग स्टार्ट करो, है ना। अब देखो ये क्या है, फिर 5 करोड़ प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है, 40,000। सो ये कितने डिजिट से, 5 डिजिट नंबर है, है ना। सो आप वंस प्लेस पे अगर स्टार्ट करते हो तो ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 0 यहाँ पे आएगा, देन ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 0 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, ये आ गया 10,000 के प्लेस पे, 40,000। लाख में और 10 लाख में कोई नंबर आ रहा है क्या, नहीं। इसलिए आप क्या करो, आपकी राइटिंग वो जो नंबर है उसके वंस प्लेस से स्टार्ट करो, वंस प्लेस के डिजिट से लिखना स्टार्ट करो, मतलब आप करेक्ट होंगे, है ना। देन नेक्स्ट है 4 डिजिट नंबर, मतलब 1000 प्लेस पे आएगा, 4 डिजिट नंबर, 5000 लिखा है, देन 600, देन 10th प्लेस पे कुछ है क्या, 2 डिजिट नंबर नहीं है इसलिए छोड़ दिया है, तो 2 है, तो वंस प्लेस पे आएगा, है ना। अब क्या करना है, इनके ऐसे वर्टिकल अरेंजमेंट होने के बाद इनके एडिशन करने हैं, सो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 2, ओके, यहाँ पे सब 0 है इसलिए 0, सो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 4 4। 0 में अगर हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो क्या आता है, एडिशन, यस, वो नंबर इटसेल्फ आता है ना, ये आपको अच्छे से पता है। तो आज आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था मैंने, अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, तो वो आपको मैथ्स के नोटबुक में प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैड राइट क्लास वर्क डेट स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। सो फर्स्ट देखो, फर्स्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो ये फर्स्ट एग्जांपल है, वो आपको प्रॉपरली पहले राइट कर लेना है। ये है 5 लाख प्लस 1000 प्लस 700 प्लस 8। तो पहले आप क्या करो स्टूडेंट्स, प्लेसेस लिख लो, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो फर्स्ट नंबर देखो 5 लाख, तो हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, वंस प्लेस के डिजिट से 0 0 0, यहाँ पे फर्स्ट पीरियड कंप्लीट होता है इसलिए कॉमा है ना, देन 0, देन 0, यहाँ पे भी सेकेंड पीरियड कंप्लीट होता है इसलिए कॉमा दिया है, देन 5, ओके, प्लस 1000, 0 0 0 1, प्लस 700, 007, प्लस 8। सो अगर आप ऐसे राइटिंग करोगे तो आप रॉन्ग नहीं होगे। सो इनकी क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है। अब हमने वर्टिकल अरेंजमेंट कर ली है ना, सो फर्स्ट ऐड, लेट्स वी ऐड वंस प्लेस, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 8, देन ऑल जीरोज आर हियर, दैट्स वाई 0 इज हियर, देन 0 प्लस 0 प्लस 7 7, देन 0 प्लस 1 1 0, एज इट इज़, देन 5 प्लस कुछ है क्या, कुछ नहीं है इसलिए 5 एज इट इज़ लिखेंगे। सो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आया, 5,1708, 5,1708 इज़ द ओरिजिनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, ओके। ये क्या आया, ये एक्सपांडेड फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म आया, क्या, 5,1708। तो स्टूडेंट्स अदर एग्जांपल्स आपको करने हैं, ओके। सो एग्जांपल नंबर बी सी डी ये आपको करने हैं, और साथ में मुझे ग्रुप पे फोटो सेंड करने हैं, ओके स्टूडेंट। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।